just lied to me that you love me more. In fact, you just love nature way more than, and I'm quite jealous of it and I can't help it. But we all love you and I know that तुम झूठ बोलते थे कि तुम मुझसे प्यार करते थे, तुम तो देश से प्यार करते थे। ये बात देखकर मुझे जलन होती है। तुम जिनको जानते भी नहीं थे, तुमने उनके लिए जान दे दी। तुमने मुझे फोकस रहना सिखाया। विभु, मैं तुमसे आखिरी सांस तक प्यार करूंगी। मैं लोगों से कहूंगी कि वो सहानुभूति न जताएं। मैं सबसे कहूंगी कि चलो जाते जाते इनको सब सैल्यूट करते हैं। ये शब्द शहीद मेजर विभूति ढौंडियाल की पत्नी के हैं। चौदह फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद 18 फरवरी को सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल की पत्नी है नितिका। फरवरी साल 2019 को देहरादून में मेजर विभूति के पार्थिव शरीर के पास खड़े होकर उनकी पत्नी नितिका ने ये जोशीले शब्द कहे थे। ये वो शब्द हैं जिन्हें सुनकर पूरा देश रोया था। ये वो शब्द हैं जिनसे एक महिला की बेबसी लेकिन एक वीर की पत्नी का साहस छलक रहा था। ये वो शब्द हैं जिसने देश की हर महिला को धैर्य दिया। जब से मैं उनसे मिली हूँ तो मुझे पता है कि वो बहुत ही हमेशा सबको बहुत मोटिवेट करता था कि इनफैक्ट अभी भी करता है, बिकॉज अगर आप सोचो तो वो चीज़ चेंज नहीं होती है, हमारे लिए वो चीज़ सेम रहती है। तो हमारे लिए वो आज भी है जो हमें मोटिवेट करता है लाइफ में कि रुकना नहीं है। शमशान घाट ले जाने से पहले नितिका ने अपने पति के पार्थिव शरीर को चूमते हुए कहा था, आई लव यू विभूति, और मैं भी आपकी तरह ही आर्मी ज्वाइन करूंगी, ये मेरा वादा है। नोएडा में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रही नितिका ने नौकरी छोड़कर दिसंबर 2019 में इलाहाबाद में वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम की परीक्षा दी। स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्राउंड टेस्ट, इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट पास करने के बाद चेन्नई की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से नितिका को कॉल लेटर मिला। 29 मई 2021 को ट्रेनिंग पूरी करने के बाद नितिका आधिकारिक रूप से सेना की वर्दी पहन बतौर लेफ्टिनेंट सेना में शामिल हो गई हैं। My journey has just started. The last 11 months, the last 11 months has made me learn so many things in my life. And I would like to thank
everyone who have kept faith on me. My mother-in-law, my mother, and all those who have been part of the journey. नितिका और विभूति पहली बार कॉलेज में मिले थे। अप्रैल 2018 में उनकी शादी हो गई। लेकिन शादी की पहली सालगिरह से कुछ महीने पहले ही उन्होंने अपने पति को खो दिया। जब कभी भी उसने कोई भी शरारत करी तो हम उतना ही हंसते हैं। जब वो था तब भी उतना ही हंसते हैं। जब अब बात करें तब भी उतनी हमें अच्छा लगता है। तो वो हमेशा रहेगा। मतलब आप ये देखिए कि शायद हम लोग कहीं ना कहीं चले जाएंगे, कोई शायद याद करे ना करे, पर वो हमेशा के लिए रह गया। नितिका के सेना में शामिल होने पर उनकी सास सरोज ढोंडियाल भी बेहद खुश हैं। पहले उनका बेटा सेना में था और अब उनकी बहू भी भारतीय सेना का हिस्सा बन गई है। बस उनको इस बात का अफसोस है कि वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से वो नितिका के कंधे पर अपने हाथों से स्टार नहीं लगा पाई। मेरी फैमिली में स्पेशली माय मदर इन लॉ, उन्होंने मुझे कभी नहीं किसी चीज़ के लिए रोका कि तुम ये नहीं कर सकते। उन्होंने हमेशा यही बोला है कि बेटा वही करो जो तुम्हारे मन में करता। शादी के सिर्फ 10 महीने बाद ही अपने प्यार को खोने पर भी नितिका ने अपनी हिम्मत बनाए रखी। उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। मुझे लगता है सिर्फ शादी एक चीज़ नहीं होती है कि आप कर लोगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। मुझे लगता है कि आप शादी करो या ना करो उससे ये फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपका खुद का डिसीजन होता है। आज सेना में अफसर बन नितिका ने साबित कर दिया कि हौसला, जज्बा, लगन और मेहनत की बदौलत इंसान किसी भी बाधा पर विजय पा सकता है। नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी भी, लोग उम्मीद करती हूँ वो उनको कहानियाँ सुनाएंगे कि दे वाज सच अ वेरी ब्रेव मैन एंड ही विल ऑलवेज बी अ ब्रेव मैन। ओटीए चेन्नई में अंतिम पग पार करते ही नितिका कॉल ढोंडियाल का सपना आखिरकार पूरा हो गया और अब वो देश की सेवा करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।